नमस्कार फ्रेंड, आपको जो स्वागत है। इस तरीके से दाल या चावल जब भी हम बनाएं तो उन्हें पहले पानी में भिगो लें। भिगोने से क्या होता है, ऐसे इससे हमारी गैस कम खर्च होती है, और यदि हम नहीं भिगोएंगे तो इससे हमारी गैस ज़्यादा खर्च होगी, ज़्यादा देर में बनेगी दाल चावल या सब्जी कुछ भी हो। दाल या चावल आप पहले भिगो दें। क्या होता है फ्रेंड्स, अगली हक से जब हम रोटी सेकते हैं तो हमारा तवा बहुत तेज़ गर्म होता है, तो इस पर कोई भी सब्जी आपको जब गर्म करनी होता है तवे पे रख दें, उससे भी हमारी गैस की बहुत ही अच्छी तरीके से बचत होगी, हमें दोबारा सब्जी गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगली हक से फ्रेंड्स मेरी कुकर को लेकर है। क्या होता है, जब भी हम कुकर धो के जल्दी से ना सब्जी बनानी हो तो गैस पर रख देते हैं, उससे क्या होता है कि कुकर के अंदर काफ़ी पानी होता है जिसको जलाने में हमें गैस बहुत खर्च करनी पड़ती है, तो इसके लिए क्या करना है, पानी को निकाल के आप इस तरीके से उल्टा रख देंगे तो बहुत ही जल्दी हमारे कुकर का पानी जो है सूख जाएगा और हमारी गैस की बहुत बचत होगी। अगली एक से फ्रेंड्स मेरी दूध को लेकर या कोई भी सब्जी सामान को लेकर है फ्रिज के, आप थोड़ी देर पहले निकाल के रख दीजिए, जब भी हमें दूध या चाय बनानी हो तो उससे भी हमारी गैस की बचत होगी। इससे हमारे जो दूध का या तापमान थोड़ा गर्म हो जाएगा, जो कि हमें गर्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगली एक से फ्रेंड्स जब भी हम कोई सब्जी बनाएं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो वो हमें ढक के बनानी चाहिए, क्योंकि ढकने से क्या होता है कि वो जल्दी बनती है और हमारी गैस भी कम खर्च होती है, और यदि हम ऐसे खुली करके छोड़ देंगे या ऐसे अधूरी छोड़ देंगे ना तो उससे क्या होगा कि हमारी गैस बहुत फूकेगी और सब्जी भी देर में बनेगी। इसलिए फ्रेंड्स इस तरीके से भी आप अपनी गैस की बचत कर सकते हैं, सब्जी को ढककर बनाएं। अगली एक से फ्रेंड्स मेरी इस तरीके से जब हम दूध या चाय बनाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हमारी निकल जाती है और हमें पता नहीं रहता, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि गीला कपड़ा करना है और इसको अच्छे से पोंछ लें। पोंछने के बाद भी यदि इसके गैस के छेद बंद है तो आप इसके गैस के छेदों को सुई की सहायता से खोल सकते हैं, उससे क्या है कि गैस पूरी आएगी। यदि छेदों को नहीं खोलेंगे तो गैस पूरी नहीं आएगी और गैस हमारी बहुत ज़्यादा फूकेगी। इससे भी हम अपनी ट्रिक से इस गैस की बचत कर सकते हैं, इस ट्रिक को आप अपना सकते हैं फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, क्योंकि इतनी महंगाई में हमें गैस की बचत ज़रूर करनी है। और आप जब भी गैस का नहीं इस्तेमाल करना है ना तो आप अपना रेगुलेटर बंद कर दें, कोई भी जो है ना लीक वगैरह है गैस की वो नहीं होगी और हमारी गैस की बचत होगी। इसलिए फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।